बसंत का सुहाना मौसम अब खत्म होने वाला है। आज दोपहर के बाद तेज बारिश होने की संभावना है। ओह डियर, पिलचर्ड, मौसम खराब होने वाला है। बाई तरफ एक दो तीन चार, बाई तरफ एक दो तीन चार, फिर घूमो। मैं जग गया हूँ और जाने के लिए तैयार भी। हे स्कूप, तुम आज क्या कर रहे हो? पता नहीं मैक, बस काम बताने के लिए बॉब बाहर आता ही होगा। ओ, मेरे लायक भी कुछ काम होना चाहिए। हाँ, मुझे कुछ मजा भी चाहिए। मॉर्निंग टीम। मॉर्निंग बॉब। गुड मॉर्निंग बॉब, कैसे हो? आज हम क्या कर रहे हैं बॉब? फार्म पिकल्स के खलिहान को ठीक करने के लिए तुम्हारी और लॉफ्टी की मदद चाहिए। हेलो बॉब द बिल्डर। ओ हाँ, फिक्र मत कीजिए, मदद के लिए मक को भेज देता हूँ। करके दिखाएंगे। हाँ कर ही लेंगे। बाय बाय। ओहो, पता नहीं था खलिहान इतनी बुरी हालत में होगा। क्या रात तक ये ठीक हो जाएगा बाप? करना ही पड़ेगा स्कूप। हेलो फार्मर पिकल्स, आपकी मदद के लिए मैं आ गया हूँ। ओह बहुत अच्छे, अब फसल को रखने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। इससे काम चलना चाहिए। ओहो, क्या हुआ बाब? इस पुरानी पट्टी पर पूरी तरह जंग लग गया है। ओ बाबा रे, ये तो ठीक नहीं है ना? हाँ लॉफ्टी, हमें इसे बदलना होगा। क्या अभी? बदलना ही पड़ेगा स्कूप, अगर फार्मर पिकल्स के गट्ठर उस पर रखे तो वजन से पूरा फर्श नीचे गिर जाएगा। ओ बाबा रे, फिर तो बुरा होगा है ना? हाँ लॉफ्टी, तो चलो काम शुरू करते हैं। करके दिखाएंगे। हाँ भाई, हाँ हाँ कर ही लेंगे। और अब आएगा कुछ मजा। अरे मैंने यकीनन यहाँ दो गट्ठर रखे थे। हाँ यहाँ जरूर कुछ गड़बड़ चल रही है। स्पड, अच्छा तो ये तुम्हारा काम है। मैंने सोचा फसल रखने में मैं भी मदद करूं फार्मर पिकल्स। ओ, बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन अगर तुम गट्ठरों को फैलाओ नहीं बल्कि इकट्ठा करो तो ज्यादा अच्छी तरह से मदद कर सकते हो। हाँ अभी अभी याद आया, मैंने खेत में बहुत सारी चिड़िया देखी थी। अच्छा होगा मैं अपना वो काम संभाल लूं, मतलब वही तो मेरा असली काम है, चिड़ियों को भगाना, ऐसे है ना? ओ चलो भागो चिड़िया जाओ। तो इस तरह से चिड़ियों को भगाते हो तुम? स्पॉट लग गया है काम पर। ओके लॉफ्टी, इस पर हुक लगा सकते हो? हाँ, लगा ही दूंगा। लगा दिया बॉब। शाबाश लॉफ्टी, बाहर खींच लो। पकड़े रख पाओगे स्कूप? हाँ, हाँ। लॉफ्टी से कहो वो नई तख्ती को उठा लाए। काम पूरा हुआ फार्मर पिकल्स, पूरी फसल आ गई है। शाबाश बहादुर मशीनों, लेकिन क्या तूफान आने से पहले हम खलिहानों तक पहुंच पाएंगे?
थोड़ा सा ऊपर लॉफ्टी, मेरी तरफ थोड़ा और, बैठ गया। ओके स्कूप, अब छोड़ दो। ये नई तख्ती पत्थर की तरह मजबूत है। ओ, एक हाथी, दो हाथी, तीन हाथी, चार हाथी, पांच हाथी, छह हाथी, सात हाथी, आठ हाथी। तुम हाथी क्यों गिन रहे हो बॉब? नहीं, मैं अंदाजा लगा रहा हूँ कि बिजली कड़कने और चमकने के बीच कितने सेकंड का वक्त है। हाथी कहने में एक सेकंड लगता है, तो आठ सेकंड हुए, मतलब तूफान सिर्फ आठ मील दूर है। अब समझा। तो खलिहान तैयार है, लेकिन फार्मा पिकल्स और फसल कहाँ है? क्या पता हाथी के पीछे फंस गए हो। ओ स्कूप, तेज और तेज। ओ, एक हाथी, दो हाथी, तीन हाथी, चार हाथी। ओ, शायद हाथी पास आ रहे हैं। हम पहुंच गए। बहुत अच्छे मक, अब बस फसल को खलिहान तक पहुंचाना है। करके दिखाएंगे। कर ही देंगे। ये आखिरी गट्ठर है बॉब। हो गया फार्मा पिकल्स। इसे कहते हैं एक अच्छी और बढ़िया फसल, और इसे कहते हैं अच्छा खलिहान। हाथियों की आवाज सुनाई दे रही है, पर वो है कहाँ? शायद घर पर अपनी सूने समेट रहे हैं। क्या सच में? नहीं स्कूप, मैं तो मजाक कर रहा हूँ, छोड़ो बाद में बताऊंगा। चलो साथियों, अब घर चलते हैं।